रात के सन्नाटे के, और मेरे मोहतर बुजुर्गो कुछ आस लगा कर आए है होती है, लेकिन मैं समझता हूं उस भरे मजमे में एक ही उम्मीद सब लेकर आए हैं, ए अल्लाह तेरा और तेरे नबी का जिक्र सुनने जा रहे हैं, उनके सदके में हमारी निजात कर दे। बोले भाई यही उम्मीद है ना, यही उम्मीद बनती है, तो हुक्म होगा ले जाओ जन्म में, फरिश्ते लेकर चलेंगे, जब जहन्नम के किनारे में पहुंच जाएगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे बंदे को लौटाओ, लौटा के लाएगा, मेरा रिशाद फरमाएगा मेरे बंदे क्या तुम्हारा नाम किसी आलिमे दीन के नाम पर है, अर्ज करेगा मौला मेरा किसी आलिम के नाम पर नहीं, क्या तेरे खानदान में मैं कोई आलिम रहता था, बंदाज करेगा मौला ये भी नहीं, इर्शाद खुदाबंदी होगा मेरे बंदे, क्या दुनिया में तेरा कोई ऐसा भी दोस्त गुजरा है जिसकी दोस्ती किसी आलिमे दीन से हो, दोस्त था जिसकी दोस्ती एक आलिमे दीन से थी तो दरिया रहमत मौला कुछ मच, और कहां कहां से आने वालों मेरे जवानों दोस्तों साथियों, आज तुम्हारे गांव मोहल्ले में इतने नाइबीन रसूल आए हैं, अरे किसी की दुआ तो कबूल होगी, सुनते हैं कि 40 आदमी में एक दुआ कबूल हो जाती है, तो इतने बैठे हैं किसी की दुआ तो कबूल हो ही जाएगी, मोहब्बत के साथ अभी ही पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना शर्फ हासिल किया, मेरा ना फरमाता है ये तौबा करने की तरह तौबा करो, तौबा कैसे की जाती हो बताऊंगा, इसलिए कि कुरान हमने कुरान की रोशनी में आपको समझा रहा हूं, तो कुरान तो नुस्खे कीमिया है, आईन है, निजाम है, मुकम्मल दस्तूर ज़ाबते हयात है, लाहे अमल है। चित्तौड़गढ़ में एक पत्रिका पत्रकार आए, अखबार के एडिटर आए, हिंदी अखबार के, नाम नहीं बताऊंगा विवश हो जाएगी, इंटरव्यू लेने के लिए ये सारे हमारे शोरा पुर्रा उलमा हजरात मौजूद, तो कानून आइन की बात चली, मैंने कहा एडिटर साहब मेरे मुल्क को आजाद हुए कितने साल हुए, आजादी के बाद कानून बना उस कानून की किताब में अब तक 47 चिट्ठियां लग गई, 47 पेवन लग गए हैं, और 400 साल हो गया इस कुरान को आए हुए, इंशाअल्लाह क़यामत तक इसमें चिट्ठी नहीं लगेगी, नबी मुकम्मल दस्तूर, मेरा इस्लाम मुकम्मल दीन, उम्मत मुकम्मल उम्मत, बस ये मुस्तफा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, न इसके बाद कोई दूसरी किताब होगी, वो भी अमल करेंगे, अरे हद तो ये है कि आदम का कर्मा अला इला इल्लल्लाह आदम सफी उल्ला इला इल्लल्लाह नूह नजी उल्ला मूसा तेरी उम्मत के लोग पढ़ेंगे, लेकिन आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों सुन लो, सारे रसूलों सुन लो, तुम्हारी उम्मत तुम्हारा कलमा पढ़ेगी, लेकिन आदम जब तुम मेरे हबीब की जिंदगी पाओगे और तुम आओगे तो तुमको पढ़ना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे बुजुर्ग ने, देखिए उमर देखिए मोहब्बत देखिए, नारा लगाया अपनी मोहब्बत का, नारे तकबीर मियाँ, आजकल हर काम अपने मतलब से होता है,
इस मतलब से नारे लगवा देते हैं कि हमें कुछ दम देने का मौका नहीं, हर का मतलब खुल्ला मोहल्ले में खुल्ला। वो लोग दुआ करते थे कि उनकी बीवी मर जाए, पता नहीं बुढ़िया में क्या उनको चीड़ हो गई थी। 65 साल की उम्र में रोज दुआ करता था बुढ़ा कि उसकी बुढ़िया मर जाए, दुआ से तो कोई मरेगा नहीं जल्दी। इत्तेफाक की बात है, दिन बुढ़िया बड़ी जी को खांसी आई, वो खांसी झटके किस्म के लगी, झटका आ गया तो सीने पर सबका सारी हो गया, दिल पर बेहोश होकर बुढ़िया गिर गई। अब बड़े मियां समझे ये खलास, जल्दी जल्दी मोहल्ले के जवानों को बुलाया, जनाजा तैयार हो, चला जनाजा तो कब्रिस्तान से बिल्कुल करीब आ गए, बस 5 मिनट का रास्ता था। ये बिजली का खंभा है ना, ये बिजली का पोल, जवान बच्चे जल्दी जल्दी लेके भाग रहे थे तो जनाजे की चरपाई बिजली के खंभे से टकरा गई, चरपाई गिर गई, लाश गिर गई। तो जो झटका लगा था सीने दिल पर हट गए, ये भाटा तो होश में आ गई, उठ के बैठ गई। जब बुढ़िया उठ के बैठ गई तो बड़े लिया बहुत नाराज हुए, कहने लगे या अल्लाह कई महीने की दुआ के बाद तो ये मरी है, फिर उठ के बैठ गई। तब जिंदा तो नहीं काट सकते थे, मजबूरन वापिस लाए, 6 महीने के बाद वो मर गए, हकीकतन मर गई। पहले तो बड़े मियाँ कोई एतबार ही नहीं होता कि मर गए, कई घंटे तक तो यही छोड़ दिया ऐसा ही, जब बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि मामला बिल्कुल ठंडा, अब मोहल्ले के लड़कों को बुलाया, फिर जनाजा चला। तो मोहल्ले गांव का जैसा दस्तूर है, जो लोग जनाजा लेकर चलते हैं ना, तो कलमा पढ़ते ही जाते हैं ना भाई, सारा मजमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा तो कलमा पढ़ते जा रहा था। अब बोले भैया जोर से बोलते जा रहे थे, भाइयों बिजली का खंभा बचा के, भाइयों बिजली का खंभा बचा के, दोबारा चल पाई टकराना उठ जाए तो हार कर तो मिया दुआ भी मतलब के लिए हो गए। इस घर को आग लग गई, मोमिन अगर किसी का वजीफा कर लेके पता कि कसम सारी दुनिया में इंकलाब बढ़ा हो जाए, सिर्फ जरूरत का वजीफा हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंकलाब बढ़ा हो जाए। लेकिन क्या करोगे, तनहा मदद दाल खुद कुंभ पूजा पूजा ने, हाँ एक जगह दाल हो तो आदमी रुई का फहा रख दे, अब जब सारा बदन ही जखम जखम हो जाए तो कहां कहां रखोगे। किसी कोई आया सुन्नत मत पढ़ो, कोई आया मिलाद मत करो, किसी ने कहा कयाम बंद, किसी ने कहा सलाम बंद, किसी ने कहा मुहर्रम बंद, किसी ने कहा ग्यारहवीं बंद, किसी ने कहा साहब खाला खाला अगर नमाज की छठी नमाज कायम कर, तो हमने तो कायम कर लिया। ये लोग नमाज और मार है पदा की फिरते रहेंगे, फिर रहे हैं खड़े होके, फिर रहे हैं बैठ के, फिर रहे हैं उठ के, बैठ के फिर रहे हैं। अरे यहाँ तो कम फिर रहे हैं, जब वहां पता क्या आवाज पड़ेगी तो बहुत फिरेंगे, वो फिरते रहेंगे, फिर फिर के फिरेंगे। आई लिए फिर गए हैं कि नबी के दामने कलम से फिर गए हैं, नबी के दामने कलम से फिर गए हैं। वरना ये बहुत दुरू शरीफ का वो हथियार है, आओ हथियार की तरह तारीख उठाओ अपनी, इस्लाम के जवाबों की जिंदगी देखो। हजरत मिस्र की शाह मस्जिद से निकले, हाथ में लकड़ी की तस्बीह है, अंग्रेजों की नजर आता जाती थी, उसने देखा अनुरानी चेहरा, ऐसी दाढ़ी भरा चेहरा है, दाढ़ी से प्यारी शक्ल, करीब आया, टूटी फूटी उर्दू जुबान में बोला, मुल्ला जी ये क्या है? तो तस्बीह को इशारा करके बोला, ये क्या है? तो आपने उसके रिवाल्वर पर हाथ रखा और कहा, ये क्या, क्या बात है, ये क्या? तो हंसा, वो समझा कि मुल्ला सब बेवकूफ ही होता है, हंसा कहने लगा, मुल्ला जी
आज तक इतनी उम्र के आप हो गए, आज तक आपको पता नहीं है किसका नाम दीवाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया बहुत अच्छा, तो आपने फिर दीवाला कहां तक फरमाई, लोहे में क्या ताकत है? सुभान अल्लाह, अरे जब लकड़ी में ताकत नहीं है तो लोहा क्या ताकत रखता है? तो गुस्से में आगे अंग्रेज भेजा, उसने तिरछे निगाहों से आपको देखा और कहने लगा बताऊं किसकी ताकत क्या है? आपने फरमाया बता, बताई लोहे की ताकत क्या है? उसने गोली भरी और सामने पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, उसने निशाना लिया और मार दिया, खट नीचे गिर पर मर गई। उसने कहा देखा मुल्ला जी, वो लोहे की ताकत, ये दीवाना की ताकत देखी तुमने? हजरत ने फरमाया भाई करीब जाकर चिड़िया को देखने, कहीं डर के मारे तो नहीं गिर गई? अरे करीब से जाकर देखो, कहीं डर के मारे तो नहीं गिर गई? उसने जब गुस्से में आया हो अब मुंह से अलग लग पलट के देखा, उसने कहा मुल्ला जी ये जिंदा है, ये खून निकल गया हड्डी पसली बराबर, ये जिंदा है? आप करीब आगे मुस्कुराते फरमाया वाकई तो तेरे लोहे में बड़ी ताकत है, तेरे लोहे में बड़ी ताकत है। ये कहते हुए अंधा हो के उड़ गई, फरमाया भी नादान, तेरे लोहे की ताकत ये है जो जिंदों को मुर्दा किया करता है, और नबी के गुलामों की ताकत ये है कि मुर्दे को तस्बी छुला दे तो जिंदा कर। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोस्तों मैं कहता हूं कि जब सारी दुनिया मिलकर हजरत मेहर अली शाह की लकड़ी की तस्वीर जैसी कोई तस्वीर नहीं ला सकती है, तो सारा जहां मिलकर मोहम्मद की अंगुलियों जैसी अंगुलियां कहता है, नबी के हाथ जैसा नाच कर ला सकता है। मेहर अली शाह मुझे को तस्वीर छुला दे, सारा मोहम्मद किसी ने कहा था ये कुमकुमे लगे हैं, तो मैं कहूंगा क्या ये कुमकुमा जलता है? आप कहेंगे नहीं। किसी ने कहा ये लाइट, मैं कहूंगा ये लाइट जलता है, ये शामियाना ये जलता है, ये तो सब जलसे की निशानियां, ये कुर्सी ये जलता है नहीं था ये जलसे वालों के लिए, ये माइक ये जलता है नहीं तो जलसे तबलीगी जमात के घर ज्यादा है, इसलिए वहां तुम्हें जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मकतबे फिक्र के जहां कसरत से लोग रहते हैं वहां कम वालों का कोई हक नहीं होता। वो सब मैंने इकट्ठे करके सारा जखीरा जब मजबूत कर लिया, उसके बाद इस तहरीक को फैलाना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का साथ मेरे साथ, तकरीबन हिंदुस्तान के 500 सुन्नी उलमा बबांग दोल बयक वक्त साजिद की आवाज पर दिल्ली में हर तरीके के मुनाजरा और मुकाबले के लिए आने को तैयार, समझ रहे भाई, 500 सुन्नी उलमा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक की तलवार से जब हमारा काम चलता चला जा रहा है, जब अखलाक की तलवार से हमारा काम बढ़ता चला जा रहा है, 14 शाखें हिंदुस्तान में हो गई, दिल्ली के दोनों जलसे बड़े कामयाब गए हैं, 5,000 आदमियों ने सलातो सलाम पढ़ा है, तो अब हमें क्या जरूरत है कि हम किसी से जंगो जिदाल करें? हमारा मकसद तो है नबी की मोहब्बत को आम करना, नबी के इश्क को आम करना, नबी के इश्क को फैलाना, के इश्क रसूल में डूबे हुए आदमी गली गली कूचे कूचे से सदाएं बुलंद करने लगे, फिर कूचे कूचे से सदाएं बुलंद करने लगे, जिसको बारे